हाय गाइस, हम लोग दिल्ली के खाटू श्याम के लिए निकले हैं। शकुनी यात्रा स्वरूप नगर से खाटू श्याम मंदिर। आ चुके हैं मंदिर और ये है आपका पार्किंग स्लॉट। यहाँ पे देख सकते हैं आइसक्रीम वाले भैया हैं। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं खाटू श्याम मंदिर के। ये देख सकते हैं आप, खाटू श्याम दिल्ली धाम पादुका जी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के लिए झूले हैं, जो उनका टिकट प्राइस है 20 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़। ये बच्चे यहाँ पे झूलते हुए शॉप है जहाँ पे आप खाटू श्याम की मूर्तियाँ मालाएं खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप प्रसाद भी ले सकते हैं। नाश्ता पानी, यहाँ पे आप नाश्ता पानी प्राइस देख सकते हैं। तो ये अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। रास्ता बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आज। यहाँ पे करीब 4 घंटे लंगर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंगर की व्यवस्था है। खाटू श्याम दिल्ली धाम 65 फुट गहरी फाउंडेशन पर 1500 किलो अष्ट धातु से निर्मित शक्तिपीठ। देख सकते हैं यहाँ पे झंडे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सजा रखा है, सजावट बहुत अच्छी है। ये रहे हमारे खाटू श्याम। तो ये देख लेते हैं गाइस, आप लोग अपने अपने घर बनाते हैं, घरों की अर्जियां डाली जाती हैं श्याम बाबा के पास। ये देख सकते हैं आप मकान घर के लिए अर्जी। ये आप देख सकते हैं 800 kg का करते हुए करो। तो अब जा रहे हैं हम मेरे फेवरेट जगह गौशाला। देख सकते हैं गीर गाय, बहुत ही उच्च कोटि की नस्ल। चलिए देखते हैं गिर गाय से बड़ी गौशाला। और यहाँ भोजन की व्यवस्था भी है, छाछ की व्यवस्था भी है जो कि शुद्ध दूध का है, तो ज़रूर हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लोग आके
भोजन करते हुए, थाली का आनंद लेते हुए। यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, 50 रुपये थाली, गौशाला हारे का दूध। और ये हमारी गौ माता का मंदिर, जय माता राम, जय हो गौ माता की। और तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गौशाला खाटू श्याम दिल्ली गौशाला में। ये सारी गिर गाय, इनको भैया खाना खिलाते हुए। ये कैसा लगा आपको खाटू श्याम आके? बहुत बढ़िया है, फैमिली के लिए आराम से यहाँ घुमा सकते हैं और बहुत अच्छा है। धाम हर एक चीज, हर धाम अच्छा ही होता है, लेकिन ठीक है, जो अपने दिल्ली के जो यहाँ खाटू श्याम जी है, यहाँ पे भी अच्छा अनुभव मिला है घूमने का जी। और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बुजुर्गों के साथ आप यहाँ पे भी आके अपना अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। घूमने के लिए गौशाला है, अपना खाना पीना के लिए रसोई घर है खाटू श्याम जी का, और यहाँ पालकी है, ये खाटू श्याम जी की गाड़ी चलती है। जो बुजुर्ग है, जो विकलांग है, जो नहीं चल पाते, उनको सीधा यहाँ से दर्शन कराया जाता है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं कहीं भी, तो जरूर आए एक बार। हाँ जी, दिल्ली में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आप एक बार आइए और एक बार जरूर आइए। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ से लिया है भल्ले पापड़ी और कचौड़ी, तो चलिए टेस्ट करते हैं। 50 रुपीज़ का भल्ले पापड़ी और 30 रुपये की है कचौड़ी की प्लेट। टेस्ट कीजिए कमलेश जी, बताइए टेस्ट करके कैसा है। बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ आप मंदिर के साथ साथ अपना नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। ये हमारे कमलेश झा जी अपने घर की अर्जी देते हुए। फाइनली आशु जी का घर तैयार है और ये अर्जी लगा चुके हैं अपने घर की। फाइनली टोटल जय खाटू श्याम की जय। कुछ पेड़ लगे हुए नाम के साथ, जैसे कि बेल है ये। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गुड़हल, गुलहड़ जिसे हम अड़हुल भी बोलते हैं, उसके आगे बट, ये रहा बट, अकौन मैं नहीं जानता ये कौन है, पीपल आप देख सकते हैं तरह से, आंवला, ये आंवला का पेड़, तो ये रहे हमारे शीशम। काफी अच्छा यहाँ पे सुखद एहसास होता हुआ, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। आगे कुछ और भी हैं, ये देख सकते हैं आप अर्जुन, ये आम है लेकिन आम का पेड़ नहीं दिख रहा है मुझे, आई थिंक ये है जो कि सूख चुका है। पाकड़ मैं नहीं जानता क्या है, इन्हीं में से कोई होगा। बांस, ये रहा आपका बांस, और नीम, ये रहा। उसके बाद शाल है, जामुन है, बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रीनरी का प्रबंधन भी किया गया है। सामने देख सकते हैं आप हवाई जहाज भी है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ लोग फोटोशूट कराते हुए। खाटू श्याम जी के वैदिक गुरुकुल, जहाँ पंडित जी औरों की रहने की व्यवस्था की जाएगी। काफ़ी अच्छे छोटे छोटे कुटिया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारे प्यारे कुटिया से बने हुए हैं। अच्छा रहा, आप लोग भी यहाँ आए तो ज़रूर घूमें, और दिल्ली में कहीं भी रहते हैं तो यहाँ पर जरूर आए। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो है जहांगीरपुरी, तो
अवश्य आए और सुखद एहसास लें। चलिए, पड़ता है यहाँ इलाका, इस ब्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।